हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए मैं CHO एग्ज़ाम के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस में पार्ट 6 लेकर आया हूँ दोस्तों क्वेश्चंस का। हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है दोस्तों। ये क्वेश्चन सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वही क्वेश्चन है जो कई किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट? दोस्तों इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाती है, न कि रेफ्रिजरेटर? दोस्तों कुछ वैक्सीन होती है जो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जाती है और कुछ वैक्सीन होती है उससे कम डिग्री टेम्परेचर पर रखी जाती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास पोलियो, बी DPT, सी मीजल्स और डी है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो दोस्तों उसके रिलेटेड भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों CHO इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 6 है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। 101 हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल एंड चाइल्डहुड इलनेस IMNCI include all except? दोस्तों इनमें से जो है IMNCI के द्वारा इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास मलेरिया, बी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सी डायरिया और डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है डी ट्यूबरक्लोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ सेफ स्ट्रेटजी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ, दोस्तों यह किसके लिए डेवलप की गई है? तो यह की गई है ऑप्शन ए है हमारे पास ऑन्कोकेरियोसिस और बी है ट्रेकोमा, सी रिफ्रैक्टिव एरर और डी है ऑकुलर ट्यूमर। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी है ट्रेकोमा। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 103 है, रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी इज? दोस्तों HIV ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है? ऑप्शन ए मतलब किससे मैक्सिमम चांसेस है HIV होने का? तो ऑप्शन ए है सेक्सुअल, बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, सी शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंज और डी है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा HIV ट्रांसमिशन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104, यहाँ हम देखते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया इन प्रेगनेंसी शुड बी ट्रीटेड इन प्रेगनेंसी बाय? दोस्तों प्रेगनेंसी में मलेरिया जो है वो पॉजिटिव आया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये दो होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। तो दोस्तों यहाँ जो आपका पॉजिटिव आया है वाइवेक्स पॉजिटिव आया है तो वाइवेक्स में आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास क्लोरीन क्लोरोक्विन और बी क्यूनेन, सी प्राइमा मेथामिन और डी है मेफ्लोक्विन। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोक्विन राइट आंसर है। क्लोरोक्विन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी प्रेगनेंसी के टाइम यदि मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव आता है तो। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लोवेस्ट लेवल एट विच हेल्थ एक्शन प्लान इज प्रिपेयर्ड इज? ऑप्शन ए है हमारा स्टेट लेवल पे, बी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सी सब सेंटर लेवल पे और डी है विलेज लेवल पे। यहाँ राइट आंसर है जो हमारा डी, विलेज लेवल पर जो है अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो है हेल्थ एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रोल ऑफ एडजुवेंट इन ए DPT वैक्सीन? तो दोस्तों इसके अंदर DPT वैक्सीन में कौन सा मेडिसिन का रोल होता है? तो ऑप्शन ए है क्या रोल होता है, डिक्रीज हाइपरसेंसिटी, बी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वैक्सीन और सी है इंक्रीज एंटीजेंसिटी और डी है इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ ए वैक्सीन। यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इंक्रीज एंटीजेंसिटी। और 107 हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया? ट्यूबरक्लोसिस में
कंफर्म करने के लिए इंडिया में कौन सा टेस्ट लिया जाता है? कंफर्मेटरी टेस्ट किसे माना जाता है? ए चेस्ट एक्सरे को, बी मेंटोक्स टेस्ट को, और सी ए एफ बी इन स्पुटम, और डी है एलिजा। तो यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ए एफ बी स्पुटम, इसको कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108 दोस्तों। अकॉर्डिंग टू WHO ब्लाइंडनेस देयर इज ए इनेबिलिटी टू काउंट फिंगर्स इन एट ए डिस्टेंस ऑफ। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 3 meters डिस्टेंस को जो है ब्लाइंडनेस माना जाता है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ है 109 बॉडी मास इंडेक्स ऑफ ए पर्सन हूज वेट इज 89 kg एंड हाइट इज 172 cm इज। दोस्तों एक पर्सन है जिसका जो बॉडी मास इंडेक्स हमें पता करना है, उसका बॉडी वेट है 89 kg और हाइट है 172 cm। तो आप कैसे जानेंगे दोस्तों इसका BMI? सो फ्रेंड्स इसका जो BMI है वो हम राइट आंसर जो होने वाला है इसके BMI का ऑप्शन बी यहाँ पे 30 होने वाला है। 30 दोस्तों यहाँ ओवरवेट में काउंट होता है, ओवरवेट में आप 30 को मानेंगे। यदि इसका वेट 25 के बिलो और 18 के अंडर होता, 18 से ज़्यादा होता तो वह नॉर्मल वेट में होता, और यहाँ 25 से ज़्यादा वेट जो है BMI जो है वो यहाँ पर ओवरवेट में काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज एड्स वर्ल्ड वाइड इज। दोस्तों एड्स में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, बी कैंडिडा, सी हिस्टोप्लाज्मोसिस, और डी है न्यूमोसाइटिस कैरेनाई न्यूमोनिया। दोस्तों यहाँ आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी है न्यूमोसाइटोसिस कैरेनाई न्यूमोनिया जो है एड्स में ज़्यादातर होने वाला इन्फेक्शन है एड्स पेशेंट में। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइलोलॉजी इज द, दोस्तों क्या है ये फाइलोलॉजी, किसके लिए किया जाता है? स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर, और साइंस ऑफ लैंग्वेज। तो दोस्तों यह जो है साइंस ऑफ लैंग्वेज आपका राइट आंसर है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। यहाँ 112 हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑप्शन ए इंटरपर्सनल मॉडल, बी होलिस्टिक मॉडल, सी बायोमेडिकल मॉडल, और डी है इकोलॉजी मॉडल। यहाँ आपका राइट आंसर है बायोमेडिकल मॉडल जो है हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113 द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग इज नोन एज। दोस्तों सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कौन सा है यहाँ पर अपने वेल बीइंग के लिए? ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशनल इंटेक, और बी है क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्वालिटी ऑफ लाइफ राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए एसेसिबिलिटी, बी इनक्वेटिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सी है अपॉर्चुनिटीज यूज टू टेक्नोलॉजी, डी है इंटरसेक्टरल कोलैबोरेशन। तो राइट आंसर है आपका इनक्वेटिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अल्मा आटा वॉज कंडक्टेड इन द ईयर। अल्मा आटा जो है वो कब कंडक्ट की गई थी? अल्मा आटा का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पे 1970, बी 1978, सी 1975, और डी है 1980। यहाँ आपका जो राइट आंसर है 1978 में अल्मा आटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116 एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इज। प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जांपल कौन सा है दोस्तों इनमें से? ऑप्शन ए अर्ली डायग्नोसिस, बी हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट, सी है रिहेबिलिटेशन, और डी है हेल्थ एजुकेशन। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी हेल्थ
एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ हेल्थ प्रमोशन, इनमें से कौन सा जो है वो हेल्थ प्रमोशन का मेथड नहीं है। ऑप्शन ए बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बिल्कुल है हेल्थ प्रमोशन का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिल्कुल हेल्थ प्रमोशन का है। और डी बात करें तो न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये भी हेल्थ प्रमोशन का है। सी हमारा जो है वो इम्यूनाइजेशन, हेल्थ प्रमोशन का मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर, जो यूनिसेफ है ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और हमारा यहाँ राइट आंसर होने वाला है 1946 में जो है यूनिसेफ का लॉन्च किया गया था, इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, इनमें से कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बी स्मोकिंग सीजेशन, बी सी BCG वैक्सीनेशन और डी है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। यहाँ आपका राइट आंसर है ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन जो है प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। ए यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा फिजियोथेरेपी फॉर आर्थलेजिया, बी सर्जरी फॉर कैटरेक्ट, सी डॉट्स थेरेपी फॉर ए ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट और डी है ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबो। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं इस सीरीज़ के। नेक्स्ट सीरीज आपको कल मिलेगी दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।